हालांकि हार जीत उसी पर थी मुनहसिर, लेकिन कभी वो खेल का हिस्सा नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं हूं आपके साथ सिमरन। किसी शायर का ये शेर हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। जिस तरह से विपक्ष नेताओं पर उंगली उठा रहा है, वो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उससे ये तो ही लगता है कि कभी निष्पक्ष रहे जाने वाले चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर खेल में ना होते हुए भी भाजपा को बड़ी जीत दिलाई है। पहले हरियाणा और फिर अब महाराष्ट्र के नतीजों को देखने के बाद अगर ये कहा जाए कि चुनाव आयोग है तो बीजेपी की जीत निश्चित, तो कोई हैरानी की बात तो नहीं होगी, क्योंकि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा बल्कि परमात्मा के भेजे हुए देवदूत और अलौकिक प्रधानमंत्री के इशारों पर चलने वाली एक कठपुतली बन गया है। फिलहाल हाल ही में हुए महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी समर पूरा हुआ है। इन दोनों राज्यों के चुनावी नतीजे NDA और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए एक एक प्रदेश में खुशियां लेकर आए। झारखंड में जहां हेमंत सोरेन का जलवा कामयाब रहा और उन्होंने भाजपा के सारे षड्यंत्रों को पीछे छोड़ते हुए फिर से सत्ता पर कब्जा जमाया है, तो वहीं महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व में महायुति गठबंधन ने बंपर जीत हासिल की है। महाराष्ट्र के नतीजे ऐसे हैं जिनकी उम्मीद खुद बीजेपी और महायुति के उनके सहयोगियों को कभी नहीं होगी। यही कारण है कि महाविकास अघाड़ी इन नतीजों को लेकर के लगातार सवाल उठा रही है। बेशक इन चुनावों का श्रेय एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और देश के एकमात्र नॉन बायोलॉजिकल नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। फिर से ये कहा जाने लगेगा कि चुनाव कहीं हो, आएगा तो मोदी ही, जीतेगा तो मोदी ही। इस काम में सत्ता के चारण नतीजों के दिन से ही लग भी गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र के नतीजों के पीछे अगर असल मायने में किसी का सबसे ज्यादा योगदान है तो वो है देश के चुनाव आयोग का, क्योंकि कभी निष्पक्ष कहा जाने वाला चुनाव आयोग भी अब अपने मन की बात किसी और की जुबान से करने लगा है। और भली भांति ये जानता है कि सरकार के साथ एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे सभी आरोपों को उसी समान अनदेखा किया जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार इस देश में आए दिन बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को अनदेखा करती आ रही है। महाराष्ट्र में विपक्षी दल आए दिन वोट खरीदने से लेकर वोट लिस्ट, EVM और धर्म के नाम पर वोट मांगने को लेकर चुनाव आयोग से अपनी शिकायतें करते रहे हैं और चुनाव आयोग के दरवाजे खटखटाते रहे, लेकिन कानों में रुई डाले बैठे चुनाव आयोग पर इन बात का कोई असर ही नहीं हुआ। नतीजा जब महाराष्ट्र के चुनावी परिणाम सामने आए तो महायुति ने वो शानदार जीत हासिल की कि महाविकास अघाड़ी के तीनों दल मिलकर भी महायुति के एकनाथ शिंदे की शिवसेना तक को पीछे नहीं छोड़ पाए। तो वहीं इस चुनाव को महाराष्ट्र में कौन असली शिवसेना और NCP है ये भी तय कर दिया। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के बाद एक ओर जहां भाजपा फिर से ये कहने लगी कि चुनाव कोई भी हो जीत नरेंद्र मोदी की होगी, तो वहीं महाराष्ट्र के नतीजों ने इंडिया गठबंधन का यूं कहें कि महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के भी लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि इन चुनाव में जहां बीजेपी को अब ये कहने पर मजबूर कर दिया है कि जनता ने जाति जनगणना और संविधान के विरोधियों के झूठे मुद्दों को नकार दिया है और विपक्ष देश के बदलते मूड को पहचानने में सफल नहीं हो पाया है, तो वहीं इस चुनाव ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार के सियासी भविष्य पर भी संकट खड़ा कर दिया है, क्योंकि चुनाव आयोग के सामने पहले ही अपनी पार्टी के नाम और पदचिन्ह की लड़ाई कर चुके शरद पवार और उद्धव ठाकरे को अब जनता की अदालत ने भी झटका लगा है। शरद पवार को अपने भतीजे अजित पवार के सामने ही मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में अजित पवार पर बढ़त बनाने वाले शरद पवार यहां भतीजे से पिछड़ते दिखे और अजित पवार ने बारामती में भी योगेंद्र पवार को हरा करके जीत हासिल कर ली। तो वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे भी जिन एकनाथ शिंदे को गद्दार कह रहे थे, जनता ने उसे ही शिवसेना का असली हकदार बना दिया है। इन नतीजों से भाजपा तो महाराष्ट्र में मजबूत हुई है, साथ ही एकनाथ शिंदे और अजित पवार का भी पावर बढ़ा है। साथ ही मोदी एक बार फिर भाजपा के लिए सबसे बड़ा चेहरा बन के उभरे हैं। ये बात अलग है कि सरकार बनाने के बाद भी भाजपा के सामने मुख्यमंत्री को लेकर एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। महाराष्ट्र में जहां भाजपा ने चुनाव आयोग के पूर्ण समर्थन से शानदार प्रदर्शन करके जीत का परचम लहराया, तो वहीं झारखंड के नतीजों के जरिए भाजपा ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता की लाज रखने के लिए जनादेश से छेड़छाड़ नहीं की और झारखंड में सरकार बनाने का उसका ख्वाब जो है फिलहाल अधूरा ही रह गया, क्योंकि अगर झारखंड में भी भाजपा को सत्ता मिलती तो कहीं ना कहीं विपक्ष के चुनाव आयोग पर हमले और भी तीखे होते और विपक्षी दलों के आरोप भी पुख्ता होने लगते। इसीलिए नॉन बायोलॉजिकल साहिब के इशारे पर नतीजे सिर्फ महाराष्ट्र में तय किए गए, क्योंकि साहिब को मित्र का विकास महाराष्ट्र में होना है और देश की आर्थिक राजधानी पर कब्जा करने से ही भाजपा के अच्छे दिन आएंगे, इसीलिए ध्यान जो था महाराष्ट्र पर ज्यादा रहा।
लेकिन इसी चक्कर में झारखंड बीजेपी के हाथ से निकल गया। झारखंड में हेमंत सोरेन के आगे बीजेपी के एक भी नहीं चल सके और उनके सारे दांव पेच ढीले पड़ गए। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जिस तरह से रोटी बेटी और माटी के लक्ष्य पर आगे बढ़े, उसने समाज को बांटने और काटने की बात करने वालों को पीछे छोड़ दिया। झारखंड में सत्ता पाने के लिए भाजपा को यहाँ अपना राज करने के लिए अभी और तरसना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड की जनता ने एक बार फिर से तानाशाही के आगे हिम्मत को चुना। झामुमो के नारे हेमंत है तो हिम्मत है ने एक बार फिर से देश में चल रही हुक्मरानों की तानाशाही को परास्त कर दिया। झारखंड में भाजपा ने बांग्लादेशी घुसपैठियों से लेकर हिंदू मुसलमान तक के अपने सारे दाव आजमाए, लेकिन यहाँ बीजेपी की जनता ने एक नहीं सुनी और उसे मुंह की खानी पड़ी। चुनाव आयोग भी यहाँ बीजेपी के लिए सत्ता का मार्ग तैयार नहीं कर पाया। भाजपा ने झारखंड में चुनाव जीतने के लिए हर दाव चला। उसने हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में फंसाकर पहले जेल भेजा, लेकिन हेमंत के जेल जाने पर भी झामुमो ने अपनी सरकार बचा ली और चंपई सोरेन सीएम की कुर्सी पर बैठ गए। बाद में जब आरोप साबित ना होने पर हेमंत जेल से बाहर आए तो फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठ गए। यहाँ बीजेपी ने महाराष्ट्र वाला षड्यंत्रकारी खेल करते हुए चंपई सोरेन को अपने पाले में मिला करके झामुमो में दोफाड़ करने की कोशिश की, लेकिन हेमंत सोरेन ने फिर भी पार्टी के अंदर और सरकार में अपना विश्वास बनाए रखा। भाजपा के दो बड़े नेता हिमंता बिस्वा सरमा और शिवराज सिंह चौहान भी झारखंड में बीजेपी के नैया को पार नहीं करा पाए। बीजेपी ने यहाँ बटेंगे तो कटेंगे से लेकर के हर तरह से हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन को घेरने का प्रयास किया। पीएम मोदी और अमित शाह ने भी झारखंड में चक्कर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी हेमंत सोरेन की लोकप्रियता और कल्पना सोरेन की हिम्मत के आगे भाजपा की एक नहीं चली। नतीजा, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने झारखंड में सत्ता में वापसी की। इन चुनावी नतीजों के बाद बेशक सत्ता के चारण बने बैठे चाटुकार मीडिया की जय जयकार और मोदी हैं तो मुमकिन है कि नारे को बुलंद करने में लगे, लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के इन नतीजों की पटकथा बहुत पहले ही लिखी जा रही थी, जिसका मकसद सिर्फ एक था, बीजेपी को सत्ता में लाना। क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाले महाराष्ट्र में जब सत्ता हाथ में होगी तभी तो अन्य राज्यों में जनादेश को बदला जा सकेगा और विधायकों की खरीद फरोख्त की जा सकेगी। इसीलिए महाराष्ट्र के नतीजे भाजपा के लिए अहम थे, जिन्हें उसने अपने पक्ष में कर भी लिया। इन नतीजों को और बड़ा बनाने के लिए चुनाव आयोग था जो अपने परमात्मा के आदेश को मानकर अपने कानों को बंद करके बैठा था और जैसे जैसा आदेश होता गया वैसा वैसा किया जाता रहा। हालांकि झारखंड के नतीजे बीजेपी और पीएम मोदी के लिए एक सीख भी है कि हर जगह हिंदू का कार्ड जो है वो नहीं खेला जा सकता और हर राज्य की जनता सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए वोट नहीं करती है बल्कि अपने हितों और मुद्दों को भी वोट करती है। बेशक महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के बाद भाजपा और नॉन बायोलॉजिकल साहिब के हौसले बुलंद हैं और वो अब फिर से विपक्ष को घेर रहे हैं और विपक्ष को जनता का मूड ना समझ पाने की नसीहत दे रहे हैं। महाराष्ट्र नतीजों के बाद बीजेपी मुख्यालय पर दिए गए अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कांग्रेस व विपक्ष पर निशाना साधते हुए अपने एक है तो सेफ है के नारे को महामंत्र करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके साथियों की साजिश को महाराष्ट्र ने सीधे से खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है एक है तो सेफ है। उनके भाव ने जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर लड़ाने वालों को सजा दी है। सभी समाज ने हमें वोट दिया है, उसने कांग्रेस और उसके साथियों की सोच के इकोसिस्टम पर करारा जवाब दिया है जो समाज को बांटने का एजेंडा चला रहे हैं। खुद बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर समाज में नफरत फैलाने और समाज को बांटने की बात करने वाले कांग्रेस पर समाज को बांटने का आरोप लगा रहे हैं। साहेब की इन बातों को सुनकर के राहत इंदौरी साहेब का एक शेर याद आता है कि मोहब्बत का सबक दे रहे हैं दुनिया को जो ईद अपने सगे भाई से नहीं मिलते। इन नतीजों से उत्साहित होने के बाद भी 56 इंच सीने वाले नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं डर भी सता रहा है। आखिर ये कौन सा डर है जो महाराष्ट्र में मनचाहे नतीजे लाने और प्रचंड जीत हासिल करने के बाद भी साहिब को परेशान कर रहा है? तो ये डर इसलिए है क्योंकि साहिब के परम मित्र पर अमेरिका में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, जिसने भारत में विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है। डर ये है कि आज से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष फिर से मित्रता पर सवाल उठाएगा और साहिब व उनकी सरकार को घेरेगा। तो ही चुनाव में हुई बेईमानी और हेरफेर को लेकर भी विपक्ष आक्रामक रुख अपनाता दिख सकता है। ये डर सत्र के पहले दिन ही देखने को भी मिला, जब संसद की कार्यवाही को शुरू होते ही 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। साहिब को ये डर सता रहा है कि विपक्ष सदन में फिर से ऐसे सवाल करेगा और मित्रता पर घेरेगा, जिससे कि बचना साहिब और सरकार के लिए आसान नहीं होगा,
वहीं अब प्रियंका गांधी के भी वायनाड उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर लोकसभा में पहुंचने से आने वाले दिनों में भाजपा और साहिब पर हमले और भी तीखे होने वाले हैं। कहीं ना कहीं प्रियंका का डर भी साहिब की बेचैनी बढ़ा रहा है, क्योंकि भाजपा भी ये जानती है कि एक महाराष्ट्र की जीत विपक्ष के सवालों को दबा नहीं सकती है, क्योंकि विपक्ष साहिब की मित्रता से लेकर संभल बवाल और चुनाव में लोकतंत्र के हत्या जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने को तैयार बैठा है। इन परिस्थितियों में राहत इंदौरी साहिब का एक और शेर याद आता है कि हजार पर्दों में खुद को छुपा के बैठ, मगर तुझे कभी ना कभी बेनकाब कर दूंगा। इस खबर बस इतना ही, आप देखते रहें 4 PM।